अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड चॉप। बकरे के चॉप्स हैं ये, जिन्हें मैं मैरिनेट करूँगी और फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो आइए मैं आपको बता दूँ इसकी रेसिपी। बकरे के चॉप्स मैंने ले लिए हैं, ये अराउंड है 1.5 kg। अच्छे से वॉश कर लिए हैं मैंने और अब मैं इसे मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेशन में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून अच्छे से भर के अराउंड कच्चा पपीता यानी रॉ मैंगो, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शान का फ्राइड चॉप मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा इससे एक फ्लेवर आ जाता है। तो हाफ पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ, बाकी हम डालेंगे घर के मसाले। 1.5 kg है ये अराउंड, उस क्वांटिटी के हिसाब से मैं सिर्फ हाफ पैकेट इसमें यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मज़ीद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ अभी अदरक लहसुन का पेस्ट अराउंड 2 टेबल स्पून। अच्छे से भर के इसमें ऐड करेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट जाएगा। इसमें सॉल्ट बहुत ही कम रखेंगे, यानी कि अराउंड 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि फ्राइड चॉप का जो पैकेट है शान का, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट इंक्लूड होता है। तो मेक श्योर आप जो है वो सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट उसमें ऐड करेंगे। ऑयल जाएगा फॉर मैरिनेशन अराउंड 2 टेबल स्पून। अच्छे से इससे जूसी और ऑयल मज़ेदार से हमारे जो है वो चॉप्स की मैरिनेशन हो जाएगी। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर अराउंड 1/2 टीस्पून। 3 स्पाइसेस जो जिसमें हम सेक के रखते हैं, जिसे बना के रखते हैं, जिसमें क्रश चिली, ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा होता है, उसे भून के क्रश करके रखते हैं। ये 3 स्पाइसेस ऐड किया मैंने 1/2 टेबल स्पून, और रेड चिली जाएगी अराउंड 1/2 टीस्पून। रेड चिली इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पैकेट में इंक्लूड होता है। सो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी वो स्पाइसी होता है जो पैकेट मसाला हमने यूज़ किया है। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और अराउंड 1.5 आवर और मैक्सिमम 2 आवर्स इसे मैरिनेट कर लें। और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आ जाएगा। एटलीस्ट 1 आवर तो इसे मैरिनेशन देनी लाजमी है, क्योंकि ये कच्चा गोश्त है तो उसको टाइम लगेगा मैरिनेशन के लिए, और जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना टेस्ट आएगा। अच्छा जी, अब मैं आ जाते हैं इसके मेथड की तरफ। तो सबसे पहले हम इसे स्टीम करेंगे, फ्राई करने से पहले हमें स्टीम करना है। तो इस तरह डबल बॉयलर ले लेंगे, जिसमें नीचे मैंने पानी ले लिया और एक छन्नी ले ली है। इसी तरह तमाम जो चॉप्स हैं वो उसमें मैं ऐड कर दूंगी, यानी कि डाल लूंगी। छन्नी जो है वो थोड़ी सी मेरी छोटी है, तो इसीलिए मैं 2 छन्नी ले लूंगी इस्तेमाल कर ली है मैंने। थोड़े से चॉप्स मैंने इस बड़ी वाली में डाल दिया, और बाकी जो चॉप्स बच जाएंगे वो मैं स्मॉल में कर लूंगी, और इसे कवर करके हम अच्छे से स्टीम कर लेंगे अराउंड 1/2 आवर। तो देखिए 1/2 आवर के बाद ये बहुत अच्छे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इतना स्टीम देना है कि ये देखिए गोश्त अलग होने की हो रहा है। बस बहुत ज़्यादा भी स्टीम नहीं कर लेंगे, क्योंकि अब ये फ्राई होंगे, फ्राई ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन स्टीम इतना कर लेंगे कि ये ऑलमोस्ट डन हो जाए स्टीम में। तो ये देखिए मज़ेदार से जो है हमारे चॉप्स जो है वो स्टीम हो चुके हैं, और कितना अच्छा गोश्त जो है वो ऑलरेडी गल चुका है। अब आ जाते हैं हम इसके फ्राइंग के प्रोसेस पे। स्टीम करने के बाद आप थोड़ी देर इसे छोड़ दें, और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने एक अंडा ले लिया है, उसे अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। अब हम एक एक चॉप्स को लेंगे, अंडे में डिप करेंगे और उसे डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छे से उसे अंडे से कोटिंग कर लेंगे, और अब हम मैं इसे कर रही हूँ डीप फ्राई। ऑयल ले लेंगे, ये देखिए एक मैंने इसमें डाला है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ डाल के। बहुत ज़्यादा भी डीप नहीं, बस नॉर्मल तेल लेना है इतना कि एक तरफ जो है वो डिप हो जाए, और बस जैसे ही एक तरफ कलर आ जाएगा तो हमें चेंज कर लेंगे साइड, और दोनों तरफ इसे जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसी तरह तमाम जो है वो चॉप्स हमें फ्राई कर लेंगे हम अपने, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टीम में ये पक चुके हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा देर इसे फ्राई नहीं करना है, इतना कि इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए इस तरह ये फ्राई हो रहे हैं। तो देखिए सारे जो है इसी तरह मैंने फ्राई कर लिए हैं चॉप्स। मैं इसको फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मज़ेदार से जो है हमारे फ्राई चॉप्स रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार सा इसका जो फ्लेवर आया था। तो गाइस ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।